में तो एडमिशन हो गया, पर प्लेसमेंट कैसे लगेगी? यार मैं बीटेक में एडमिशन ले लिया है, कंप्यूटर साइंस भी ले ली है, और पर प्राइवेट कॉलेज है यार, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं। और मैंने तो सुना गवर्नमेंट कॉलेज में अच्छी जॉब लगती है। यार चलो मान लेते हैं कि यार प्लेसमेंट हो भी गई तो यार अच्छा पैकेज मिलेगा, 1 लाख रुपये महीना मिल जाएगा। प्लेसमेंट में यार कितना पढ़ना पड़ता है? अच्छा कौन सी लैंग्वेज पढ़नी पड़ती है? सी, C++, जावा, पाइथन। एक काम करता हूँ, वेब डेवलपमेंट कर लेता हूँ, उससे प्लेसमेंट लग जाएगी। एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर लूँ, वो सही रहेगा। ये जो सवाल हैं अगर आपके मन में भी आ रहे हैं, जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में आते हैं जो बीटेक को परस्यू करते हैं, चाहे वो BCA को परस्यू कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस, या वो BSc में कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस, लेकिन जो आज की वीडियो ये होने वाली है स्पेशली बीटेक को लेकर होने वाली है। बिकॉज बीटेक के ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके मन में सिर्फ एक ही डाउट आता है कि मुझे अच्छी प्लेसमेंट कैसे लगेगी, उनको ये हमेशा सवाल आता है। हालांकि काफ़ी सारे लोगों के वीडियोस को देखने के बाद उनके मन में फिर भी ये सवाल रह जाता है कि मेरी जो प्लेसमेंट है वो कैसे लगेगी, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, कितना पढ़ना पड़ेगा, कहाँ से पढ़ना पड़ेगा, कब तक पढ़ना पड़ेगा। सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो में मैं पूरा आपको बताने वाला हूँ। ये जो वीडियो होएगी ये 2 पार्ट्स में होएगी। एक पार्ट में मैं आपको कवर करूँगा कि आपको क्या क्या चीज़ें होती हैं जो प्लेसमेंट में पूछी जाती है। दूसरी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप वो चीज़ों की तैयारी कैसे कर सकते हो, यानी रिसोर्सेज मैं आपको बताऊँगा, और वो बताऊँगा मैं दो, यानी फ्री और पेड। तो फ्री भी आपको पता चलेंगे और साथ में पेड भी आपको पता चलने वाले हैं, तो वीडियो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज ये वीडियो आपको देखने के बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाने वाली हैं। दोस्तों प्लेसमेंट के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि यहाँ पे सबसे पहले आपको जो राउंड होता है वो होता है परसेंटेज का क्राइटेरिया, और ये कॉलेज टू कॉलेज पे डिपेंड करता है। किसी कॉलेज में परसेंटेज का क्राइटेरिया 60% होता है, और किसी किसी कॉलेज में जो ये परसेंटेज का क्राइटेरिया होता है ये 75% होता है, और डिपेंड करता है कि कॉलेज किस लेवल का है। तो अगर आप DTU, NSUT, IIIT, IIT वाले लेवल के कॉलेज की बात करो तो वहाँ पे 60% भी जो क्राइटेरिया होता है वो बहुत होता है, जो कि ज़्यादातर प्लेसमेंट करने जो कंपनीज आती हैं वो रखती हैं। और वो इसलिए रखती हैं बिकॉज वो जो कॉलेज है उनका लेवल उस लेवल का होता है कि वहाँ के जो एग्जाम्स होते हैं वो इतने ईजी नहीं होते बीटेक के क्लियर करने के लिए। इसलिए वहाँ पे जो 60% होती है वो इनफ होती है कि स्टूडेंट एक अबव एवरेज स्टूडेंट है और वो एक गुड स्टूडेंट है, सो दैट वो प्लेसमेंट में बैठ सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ IPO के कॉलेजेस की, जो कि ज़्यादातर IPO के कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को ये दिक्कत आती है कि प्लेसमेंट के लिए हमें क्या करना है, बिकॉज IPO के कॉलेजेस में आप सभी को पता है कि प्लेसमेंट्स का हाल क्या है। तो IPO के चाहे आप प्राइवेट कॉलेज की बात कर लो, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर लो, हालांकि गवर्नमेंट कॉलेज अब बचे नहीं है वो अलग बात है, वहाँ पे जो प्लेसमेंट का क्राइटेरिया होता है ज़्यादातर कंपनी जो रखती हैं वो 75% का रखती है। अब वो क्यों रखती है 75% का, ये आपको बात जाननी जरूरी है। बिकॉज 75% का क्राइटेरिया इसलिए होता है वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे जो एग्ज़ाम होता है बीटेक का जो एग्ज़ाम होता है वहाँ पे वो काफ़ी लो लेवल का होता है, अगर मैं बात करूँ DTU, IIIT, NSUT, IIT के कंपेरिजन में। जी हाँ, और ये जब आप एग्ज़ाम दोगे तभी आपको पता चल पाएगा। वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो आकाश की बुक पढ़ के अच्छे मार्क्स ले आते हैं, 70% आराम से आ जाते हैं। इसलिए ज़्यादातर कंपनीज जो होती हैं परसेंटेज का क्राइटेरिया रखती हैं, और किसी भी कॉलेज में चले जाओ आप प्लेसमेंट के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया कुछ परसेंटेज का होता है। कुछ कुछ कंपनीज बोलती हैं इतने परसेंटेज के बाद बच्चे बैठ सकते हैं, कुछ कंपनीज का 75% का होता है, कुछ कंपनीज का 60% का होता है। तो पहली चीज़ हो गई परसेंटेज क्राइटेरिया। दूसरा राउंड जो होता है वो होता है MCQ राउंड, यानी आपके आपने देखा होगा, आपने PSA का एग्जाम दिया होगा या NTSC का एग्जाम दिया होगा, काफ़ी सारे एग्जाम्स ऐसे दिए होंगे जिसमें आपके क्वालिटेटिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं MCQ टाइप बेस्ड। तो वैसे ही क्वेश्चंस प्लेसमेंट के बारे में पूछे जाते हैं, चाहे आप बीटेक की प्लेसमेंट की बात करो या किसी और प्लेसमेंट की बात करो, BCA, BSc। ये जनरल चीज है कि यहाँ पे परसेंटेज का क्राइटेरिया होता है। और दूसरी चीज यहाँ पे कि MCQ बेस्ड क्वेश्चन हर प्लेसमेंट में पूछे जाते हैं, हर कोर्स की प्लेसमेंट में पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ की आपको बेहतरीन तैयारी करनी होती है, और ये इतने हार्ड भी क्वेश्चन नहीं होते, ये आपके सिंपल से क्वेश्चन होते हैं जो आपके बेसिक सब्जेक्ट में पूछ ले जाते हैं। अगर मैं बात करूँ बीटेक की, तो बीटेक में आपके जो कुछ मेन मेन सब्जेक्ट्स होते हैं उसके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे मैं बात करूँ अगर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और IT की, तो वहाँ पे जो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया आपका, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, वहाँ से कुछ MCQ भी पूछ लिए जाते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस के साथ, क्वालिटेटिव जो MCQ होते हैं उसके साथ। तो ये हो गया दूसरी चीज़ जो आप इजीली क्लियर कर पाओगे। पहला राउंड मैंने बताया परसेंटेज का क्राइटेरिया, आप वो भी क्लियर कर लोगे अगर आपके सेमेस्टर में बैक्स नहीं आई है, बैक्स के अलावा भी आपके परसेंटेज अच्छी आई है, ठीक ठाक भी आई है, तब भी ज़्यादातर कंपनीज आप
क्रैक कर पाओगे। उसके बाद एमसीक्यू जब आप क्लियर करोगे तो उसके बाद जो राउंड होता है वो होता है कोडिंग राउंड। जी हाँ, अगर आप कंप्यूटर साइंस में हो, अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो, तो आपका जो राउंड होगा उसमें आपको कोडिंग करनी होगी। वहाँ पे कुछ आपको प्रोग्राम्स दे देंगे जो आपको कोड करना होगा। और कोडिंग इतनी मुश्किल नहीं होती यार, अगर आप कहीं ढंग से, मैं सीखो, मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, पार्ट टू जो इसका आने वाला है वो मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ से आप सीख सकते हो फ्री में और पेड में। तो बहुत आसान होते हैं, इतने मुश्किल नहीं होती। अगर आप डेली 1 घंटा भी दोगे तो आप इजिली कर पाओगे। बट आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि कोडिंग लैंग्वेज भी कौन सी मैं सीखूँ, बिकॉज आज के टाइम पे छोटी छोटी क्लास में, जब आपको देखा होगा आपने, एजुकेशन पॉलिसी भी चेंज हो गई है, तो अब 6ठी क्लास से बच्चा कोडर बनेगा। और आप देख रहे होगे आजकल बहुत ऐड आ रही है, चिंटू ने ऐप बनाया, चिंटू ने ऐप बनाया। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कंफ्यूज कर रही होगी कि कोडिंग लैंग्वेज भी मैं कौन सी सीखूं, कौन सी कोडिंग लैंग्वेज। तो उसके बारे में भी मैं बताता हूँ, कोडिंग लैंग्वेज जो आपको सीखनी है, सी आपकी लैंग्वेज जो आएगी आपके कोर्स में आएगी, C++ आपके कोर्स में आएगी, जावा आपके कोर्स में आएगी, तो आपको सी लैंग्वेज सीखनी मस्ट है। सी लैंग्वेज एक बेसिक होती है जो ज़्यादातर कंपनीज एक्सपेक्ट करती है, और जो कंपनीज वाइवा लेती है, क्वेश्चंस लेती है, वो सी लैंग्वेज में से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछती है। बिकॉज सी एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो वो ये समझती है कि इनको तो आती ही होगी इतनी बेसिक लैंग्वेज, तो आपको सीखनी मस्ट है, आपको नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको उसमें मास्टरी होनी चाहिए, पर हाँ, सी लैंग्वेज के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब अगर मैं बात करूँ दूसरी कोडिंग लैंग्वेज एक आपको मस्ट सीखनी है, दूसरी कोडिंग लैंग्वेज एक में आपको थोड़ी सी मास्टरी हासिल करनी है। मास्टरी मतलब थोड़ा सा आपको उसमें परफेक्ट होना है, उसमें आपका जो हैंड है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। आपको अगर कोई प्रोग्राम सोल्व करने को दिया जाए तो आप उसमें एकदम परफेक्ट होने चाहिए। तो उसके लिए आपको कोई एक लैंग्वेज पकड़ लेनी है, चाहे आप C++ पकड़ लो, चाहे आप जावा पकड़ लो, चाहे आप पाइथन पकड़ लो, आप जो भी आप पकड़ोगे उसको आपको देखना है कि आप जो आगे फील्ड में जा रहे हो क्या वो उससे रिलेटेड है। लाइक अगर मैं C++ की बात करूँ तो वो ज़्यादातर कंपनीज में अभी वर्क कर रही है, और प्लेसमेंट वाइज में बात करूँ तो C++ की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर आपको जावा भी आती है तो वो भी C++ के इक्विवेलेंट ही होती है, तो इतना डिफरेंस नहीं है C++ और जावा में। लेकिन आप C++ कर सकते हो अगर आप प्लेसमेंट स्पेसिफिक जाना चाहते हो बिल्कुल, और साथ में डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम जो होता है, ये जो चीज़ें तो मेन है ही प्लेसमेंट के लिए। बाकी जावा जो है वो आप कर लोगे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ हो जाती है। जावा जैसे आप और चीज़ों में इस्तेमाल होती है, तो ये चीज़ आपके फ़ायदे कर सकती है, जैसे कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट हो गया आपका, अगर वो सीख लेते हो तो अब आपका CV थोड़ा सा ऐड एक्स्ट्रा हो जाता है, आपका CV में थोड़ा सा एक्स्ट्रा इफेक्ट आ जाता है। थोड़ा जो HR होता है उसे भी अच्छा लगता है कि ये जो स्टूडेंट है ये एक्स्ट्रा कुछ करता है, आप अपने प्रोजेक्ट को शो कर सकते हो। उसके साथ में वेब डेवलपमेंट अगर आप सीखोगे तो आपका एक एक्स्ट्रा वो पड़ता है कि हाँ इसने करा है। और ऐसा नहीं है कि ये सब इतना टफ है, क्योंकि आपके पास टोटल 4 साल मिलते हैं, 4 साल में कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा भी मतलब बहुत कुछ हो सकता है जो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, लेकिन अभी मैं प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको प्लेसमेंट स्पेसिफिक ही बता रहा हूँ। तो आपको कोडिंग राउंड में आपको कुछ कोड वर्ड के क्वेश्चन दिए जाएंगे जो वो आपको करने होंगे, वाइवा होगा उसके बाद, ठीक है। पहले कोडिंग राउंड के आप क्वेश्चन करने, जब आप वो क्रैक कर लोगे उसके बाद कुछ स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे, जैसे मैंने बताया परसेंटेज क्राइटेरिया से कुछ स्टूडेंट्स निकलेंगे, फिर उसके बाद MCQ से कुछ स्टूडेंट निकलेंगे, उसके बाद कोडिंग राउंड से कुछ स्टूडेंट निकलेंगे। जब वो स्टूडेंट्स निकल जाएंगे उसके बाद उनका होगा वाइवा, और जब वो वाइवा होगा वो होगा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। अब सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, C++, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, और कुछ आपके ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक जो सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। आप अगर मैं और ब्रांचेस की बात करूँ, ECE EEE, वहाँ पे भी बेसिक सब्जेक्ट्स के पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। और जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है जो ज़्यादातर कंपनीज पूछती हैं वो मेन रहेगा, बाकी जो सब्जेक्ट्स होंगे उसमें से थोड़ा थोड़ा आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे अब मैं बात कर रहा हूँ कि वाइवा में क्या पूछा जाएगा। तो वाइवा में आपसे कुछ लॉजिकल चीज़ें पूछ लेंगे, ब्रेन टीजर्स पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं जो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरीके से, जिस भी लैंग्वेज में आपकी मास्टरी है, तो आप अच्छे से कर सकते हो वो चीज़, तो आप आराम से उखाड़ लोगे उस चीज़ को, ठीक है। तो ये हो गया अगला। अब इसके बाद क्या होता है, जब आपका कोडिंग राउंड कंप्लीट हो जाता है, जब आपका वाइवा वाइवा कंप्लीट हो जाता है, तो कुछ कुछ कंपनीज होती हैं जो कम्युनिकेशन स्किल्स देखने के लिए, बिकॉज आज के टाइम में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेसिक नीड है हर चीज़ में, हर फील्ड में। तो वो देखती है कंपनी की इस बच्चे की पर्सनैलिटी कैसी है, ठीक है, क्या ये ठीक ठाक से बोल पा रहा है, अगर सेल्स में कुछ काम हो, अगर कंपनी में कुछ क्लाइंट से बातचीत करनी हो तो क्या ये कर पाएगा। तो उस हिसाब से वो HR राउंड लेती है, और हर कंपनी नहीं लेती है, लेकिन ज़्यादातर कंपनी ले सकती है, तो आपको इसकी भी प्रिपेरेशन करनी होगी। ये सब चीज़ें आप कहाँ से सीख सकते हो, नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता था कि प्लेसमेंट में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं और क्या क्या चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी होती हैं। आप ये प्रिपेयर कहाँ से कर सकते हो, ये सारी चीज़ें ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, पार्ट टू इस वीडियो का जरूर आएगा, वो जरूर से देखना। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये सारी डिटेल्स बताई हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, क्या क्या राउंड्स होते हैं, और ये जब राउंड्स निकल जाते हैं
इनमें जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनको एचआर राउंड में भेजा जाता है, और जो एचआर राउंड से निकल जाते हैं उनकी लग जाती है जॉब। लेकिन इतना भी इजी नहीं है जॉब लगना, बिकॉज 6 महीने की ट्रेनिंग होती है कंपनी के अंदर, और उसके बाद वो देखते हैं कि ये जो स्टूडेंट है, ये जो बच्चा है, कि ये मेरी कंपनी के लायक है या नहीं है। वो 6 महीने में आपको सिखाएंगे, गाइड करेंगे, और अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो आपको रख लेंगे, वरना आपको निकाल देंगे। ठीक है, ये कड़वा सच है लेकिन यही सच्चाई है। तो आपको अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहना है, सीखते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। तो मिलेंगे गाइज अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज आपको इस चैनल पे वैल्यूएबल एजुकेशन वीडियोस मिलने वाली हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चैनल आपकी एजुकेशन के लिए, चाहे आप कॉलेज में हो, चाहे आप स्कूल में हो। एडमिशन अपडेट्स, कॉलेज लाइफ और करियर गाइडेंस रिलेटेड इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, सो दैट लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। और लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुँचे। शेयर भी कर दीजिएगा इस वीडियो को, लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको कुछ कमेंट करना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, सजेशन दे सकते हो। साथ में कम्युनिटी टैब में जरूर इंटरैक्ट करिए, बिकॉज वहाँ पे जब आप इंटरैक्ट करते हो तो उससे ज़्यादा मुझे पता चल पाता है। कई बार आपके सवाल जो होते हैं वो मुझे कम्युनिटी टैब में ज़्यादा रिस्पॉन्स मैं दे पाता हूँ, बिकॉज कमेंट्स में आप जानते हो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स करते हैं, तो हर किसी की रिप्लाई देना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो, साथ में कम्युनिटी टैब में कमेंट कर सकते हो, और साथ में मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। कॉल कैसे कर सकते हो, आपको मैंने ऑलरेडी वीडियो दी हुई है, आई कार्ड पर आपको मिल जाएगी, जाके चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस इसी के साथ मिलूंगा अगली वीडियो में, जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।